सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, the human spirit is stronger than any disability. The human spirit is one ability, perseverance and courage that no disability can steal away. Hi friends, I'm Sanskriti Verma. And I'm Alia Sen. And welcome back to your favorite show, Jazz Junior. Jazz Junior. Friends, the main purpose of World Disability Day is to raise awareness and support for the people with disabilities so that they can be included in social, political, cultural and economic life and stay away from inferiority complex. Friends, aaj hum celebrate kar rahe hain World Disability Day. Toh friends, aaj hum isi topic par baat karenge. Alia, par usse pehle hume apne friends ko aerobics bhi toh sikhana hai. Bilkul di, aur Pinky sir kahani bhi toh sunni hai. बिल्कुल आलिया, तो दी चलते अपने फिटनेस वर्ल्ड में अपने जूनियर फ्रेंड्स के साथ श्वेता दी से एक्सरसाइज सीखते हैं फिट रहने के लिए. बिल्कुल आलिया, लेट्स वेलकम श्वेता दी आफरीन एंड अनविता. नमस्कार, आप सभी का दिल से स्वागत है एक और जोश भरे फिटनेस एपिसोड में. जैसे कि हमेशा कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब कोशिश कर रहे हैं फिट और हेल्दी रहने के लिए. तो चलिए चलते हैं अपने फिटनेस राइड पे वार्म अप के साथ. आज का वार्म अप है रनिंग ऑन द स्पॉट विद नी अप्स. आज का हमारा फोकस है लोअर बॉडी विद एब्स. जो आज हम करेंगे वो है स्टेप क्रॉस बैक हील टच. इट वर्क्स वेरी वेल ऑन योर लेग्स एंड कोर मसल्स. Second exercise which we will do is front leg raises, toe touch. This trims your waist and works on your strength. Exercise which we will do is squat hold with heel up. This works on your quadriceps, glutes and hamstrings. Fourth exercise which we will do is knee up, hands crossing your knee. This is a very good exercise for your abs and it reduces your belly fat.
जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि ये सारी एक्सरसाइजेज सेट्स में करिए, मिनिमम ऑफ 3 सेट्स। लेट्स कूल डाउन। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। टिल देन बी एक्टिव, बी ऑसम। थैंक यू सो मच श्वेता दी, आफरीन अनन्विता। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। फ्रेंड्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ यू लुक, इट्स अबाउट हाउ यू फील एंड फंक्शन। Strength does not come from the body, it's come from the will. Rightly said, Alia. विश्व की जनसंख्या 7 अरब से अधिक है और इसमें से 1 अरब लोग, यानी कि विश्व की जनसंख्या का 15% भाग किसी ना किसी रूप से विकलांगता के साथ जी रहा है। और दी, आपको पता है विकलांग जनसंख्या का 80% भाग विकासशील देशों में भी रहता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने आलिया। फ्रेंड्स, कुछ लोग विकलांगता को एक अभिशाप मानते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक नई कहानी लिखने का दम रखते हैं और कामयाब भी होते हैं, और वो एक मिसाल बनकर हम सबके बीच ही हैं। तस्नीम फातिमा जी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनकी 2015 में एक ऐसी दुर्घटना से रीढ़ की हड्डी इंजर हो गई थी। वो इससे उभरी भी और साथ ही राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने पावर ऑफ वुमेन अवार्ड भी जीता है। शी हैज नॉट ओनली बिकम फाउंडर बट आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली स्टेट व्हीलचेयर बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो हमारे शो में आज जुड़ी हैं तस्नीम फातिमा जी। लेट्स आल्सो वेलकम दीपक कुमार सर, ही इज द कैप्टन ऑफ द दिल्ली स्टेट व्हीलचेयर टीम। लेट्स आल्सो वेलकम तस्नीम मैम्स ब्रदर जावेद अली, ही हैज सपोर्टेड मैम थ्रू ऑल ऑफ दिस। वेलकम टू आवर शो गेस्ट। वेलकम मैम। वेलकम सर। वेलकम सर। तो अपने शो को शुरू करने से पहले देख लेते हैं शॉर्ट एवी। एवी देखकर ये लग रहा है कि आप सबसे बेहतर हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। मैम, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? डिसेबल होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ यहीं रुक जाएगी, बल्कि मेरे इंस्पिरेशन मेरी जर्नी में मेरे ब्रदर रहे हैं जावेद अली, जिन्होंने मुझे खूब इंस्पायर किया कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं व्हीलचेयर पर भी स्पोर्ट्स खेल सकती हूँ। और मैं अपने ब्रदर के साथ जब हॉस्पिटल में थी तो वो मुझे एक प्लेग्राउंड में लेकर गए जहाँ पे कुछ लड़के व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेल रहे थे, और उनको देख के मुझे लगा कि ये कैसे खेल रहे हैं, इनको डर नहीं लग रहा क्या, ये इनको गिरने से डर नहीं लगता। तो मेरे ब्रदर ने मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो पॉलिसी के बारे में बताया। उसने बोला क्यों ना तुम इसको इस तरीके से सोचो कि व्हीलचेयर पे अगर तुम खेलते हुए गिर भी गई तो तुम्हें चोट भी लग गई तो हॉस्पिटल में ही हो, इलाज हो जाएगा, और इतना सर्जरीज करा के आई हो तो अब किस चीज़ का डर है।
और खोने को कुछ नहीं है पर पाने को बहुत कुछ है। सो सर, जैसा भी मैम ने कहा कि वो जब इंजर हुई तो आपने उनको पूरा मोटिवेट किया, तो आपने उन्हें किस किस तरीके से सपोर्ट किया? मैंने इनको ग्राउंड पे लेके गया और इनको बताया कि किस तरीके से ये गेम खेल सकते हैं। उसमें इसको मैंने कुछ चीज़ें सिखाई, बेसिक चीज़ें सिखाई, उसमें ये सीख के आगे बढ़ी। उसके बाद इसने नेशनल मेडल जीता। डिप्रेशन से निकलने के लिए मैं मानता हूँ स्पोर्ट्स सबसे बड़ा उसका एक मोटिवेट। स्पोर्ट्स अगर कोई भी प्लेयर खेलता है और या कोई डिप्रेस बंदा स्पोर्ट्स खेलेगा तो उसको लाइफ में आगे बढ़ने का एक मोटिव मिलेगा और काम करने के लिए कुछ सोच पाएगा वो। राइट सर। सो सर, आप कौन सा स्पोर्ट खेलते थे? मैं अपने स्कूल टाइम में नेशनल प्लेयर रहा हूँ, बैडमिंटन का, हॉकी नेशनल खेला हूँ और मैं अपने 100 मीटर का स्प्रिंटर रहा हूँ, ऑलराउंडर अपने स्कूल का रहा हूँ मैं, तो इसलिए मुझे पता है स्पोर्ट्स को कैसे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना है। वाओ सर। सो मैम, हाउ ओल्ड वर यू जब ये एक्सीडेंट हुआ? आई वाज 23 इयर्स ओल्ड जब ये हादसा हुआ। सो आई वाज वेरी न्यू टू दिस एंड इट वाज वेरी शॉकिंग टू मी कि लाइफ का अब क्या होगा आगे, बट थैंक्स टू माय ब्रदर दैट आई वाज एबल टू मूव अहेड इन लाइफ। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी मैम। फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 ईस्ट ऑफ कैलाश के स्टूडेंट्स, और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। मैम, मेरा आपसे यह सवाल है कि एक व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर कैसे बनी और स्पोर्ट्स में कैसे आई? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। जैसे कि मैंने बताया कि व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर मैं अपने ब्रदर की वजह से बनी, बिकॉज उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए। और जब मैंने नेशनल चैम्पियनशिप में मेडल लिया तो उससे मैं और मोटिवेट हुई, और बिकॉज एक स्पोर्ट्स पर्सन का भी मुझे सपोर्ट था एज अ ब्रदर, आई हैड दैट सपोर्ट विद मी, सो उसकी वजह से आई थिंक मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनी। कैन आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मेरा सवाल ये है कि आप इस जर्नी में किस किस का योगदान रहा है जब आप इस हाइट पर हैं? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा योगदान मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स का रहा है, स्पेशली दीपक उनमें से एक है, जो जिन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट होने में लाइफ में काफ़ी हेल्प करा है और उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि मैं आगे लाइफ में कैसे इंडिपेंडेंटली मूव करूं। सो दीपक सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप तस्नीम मैम से कब मिले? तो मैं तस्नीम से 2015-16 में मिला, जहाँ पर एडमिट थी जिस हॉस्पिटल में, मैं भी उसी हॉस्पिटल में व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलने जाया करता था, तो वैसे मैं इनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल अराउंड 2012 से मैंने स्टार्ट किया था, और क्योंकि 2015 में एक नेशनल होने वाला था तो वहाँ पे हमारे बॉयज़ की टीम बन रही थी, तो मैं वहाँ पे खेलने जाया करता था व्हीलचेयर बास्केटबॉल। सो सर, हाउ डिड यू गेट इंजर्ड? एक्चुअल में कोई इंजरी नहीं हुई थी, मैं एक दिन वैसे ही दिन के टाइम में सोया हुआ था, तो जब मैं सोकर उठा तो मेरे जो लोअर बॉडी थी, मेरे दोनों पैर नंब हो गए थे। तो जब नंब हो गए तो फिर उसके बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो उसमें पता लगा कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से नर्व्स ने काम करना बंद कर दिया, तो उसके थोड़े दिन बाद मैं मतलब बिल्कुल बेड रिडन हो गया और व्हीलचेयर पे आ गया। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? आई हैव क्वेश्चन फॉर यू, हाउ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हेल्प इम्प्रूव लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी? सो आई थिंक इनोवेशन का और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है अगर किसी को डिसेबिलिटी है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मान लीजिए कि मेरे पैर आज काम नहीं करते हैं, पर ऐसे आजकल ऐसे व्हीकल्स अवेलेबल हैं जिनको मॉडिफिकेशन करा के आप फिर भी ड्राइव कर सकते हो। जैसे आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं खुद अपनी कार को ड्राइव करके आया हूँ, तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर मान लीजिए मेरे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हो जो जिसकी वजह से मैं गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ, तो मैं मेरी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर हो जाएगी, या तो मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा या किसी फैमिली या फ्रेंड्स को, या कोई और टैक्सी वगैरह हायर करके आना पड़ेगा। पर अगर टेक्नोलॉजी है तो उसकी वजह से मैं अपनी गाड़ी में खुद से आ पाया इधर, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा रोल है इनोवेशन का और टेक्नोलॉजी का। Can we have the next question, please? सर, मैम, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि जब तस्नीम जी की इंजरी हुई थी तो उसके बाद आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था? तो तस्नीम की जब इंजरी हुई उसके बाद जब ये कुछ टाइम तक हॉस्पिटल में रही तो मेरी इनसे मुलाकात हुई और हम लोगों ने बास्केटबॉल साथ में खेलना शुरू किया, पर हमें ये पता लगा कि दिल्ली की कोई भी स्टेट एसोसिएशन नहीं थी, तो
हम तीनों ने ही मिलके जावेद, तस्नीम और मैंने, हमने ये डिसाइड किया कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, कि कैसे फैसिलिटीज़ प्लेयर्स को प्रोवाइड की करी जा सकती है, सो दैट जो हमें प्रॉब्लम्स आए शुरू में, क्योंकि अगर कोई भी टूर्नामेंट खेलना होता है तो उसके लिए एक एसोसिएशन से ही एंट्री जाती है, आपको कोई ना कोई चाहिए गाइड करने के लिए और मेंटोर करने के लिए, तो वहाँ से इस एसोसिएशन का स्टार्टिंग हमने किया। और फिर ये जो गवर्नमेंट में जितने भी पेपर वर्क होता है वो सब मेनली जावेद ने ही वो कराया, क्योंकि हम लोग सिर्फ हम एज अ प्लेयर हम प्लेयर्स को हेल्प कर सकते थे कि प्लेयर्स को क्या रिक्वायरमेंट है अदरवाइज, पर जितना भी पेपर वर्क मैंने सब जावेद ने किया। और फिर हमने कि एसोसिएशन फॉर्म किया और उसके बाद से ये चीज़ें बहुत स्मूथ चलने लगी। मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि शुरू में जब मैंने देखा कि बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं और अपना एक्सपेंस कर रहे हैं और फिर वो कुछ दो चार दिन आके वापस चले जा रहे हैं, तो फिर उस टाइम पे मैंने ये डिसीज़न लिया कि हमें एक एसोसिएशन बनानी चाहिए जिससे एक्सपेंस उनका बेयर हम करें और वो उनको आने के लिए मोटिवेट करें, जिससे कि उनको रिफ़्रेशमेंट्स दें और आने के लिए एक जनरल सा नॉमिनल सा खर्चा दें, सो दैट वो सिर्फ यहाँ पर आके अपना गेम खेल सकें, अपना योगदान खेलने में लगाएं, ना कि ये सोचने में लगाएं कि हम कैसे आ सकते हैं। बाकी आपको जर्नी मेरी सिस्टर बता पाएगी कि कैसे उसने आगे गेम को बढ़ाया, उसने देखा सारी चीज़ें कहाँ तक, मैंने तो स्टार्ट किया इस, ये तो अभी तक रन कर रही है, तो बाकी आपको कैरी फॉरवर्ड मेरी सिस्टर ही बता पाएगी। आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमने खेलना शुरू किया था तो सिर्फ बॉयज़ की टीम ही थी, लेकिन जब मैंने खेलना शुरू किया तो मुझे एक स्ट्रगल दिखा कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ है ही नहीं उसमें गेम में काफ़ी, तो हमने फिर वुमेन्स टीम भी बनाई और हमने देखा कि कैसे हम नेशनल में वुमेन्स टीम को भी लेके जा सकते हैं, तो धीरे धीरे वो भी हमने अचीव किया। पहले सिर्फ बॉयज़ टीम ही जाया करती थी क्योंकि वुमेन अवेलेबल ही नहीं थी, दिखती नहीं थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर जब हम गेम दिल्ली स्टेट एसोसिएशन बना तो उन्होंने बॉयज़ टीम भी बनाई और गर्ल्स टीम भी बनाई, जिनको हम नेशनल चैम्पियनशिप तक लेकर गए और अभी भी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैम, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, क्या आप उसके बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे ताकि वो भी इंस्पायर हो? जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स के थ्रू आपको मेडल्स ही नहीं, रिकॉग्निशन और अवार्ड्स भी मिलते हैं, और काफ़ी कम लोगों को ये जानकारी है कि व्हीलचेयर पे कई तरीके के स्पोर्ट्स खेले जा सकते हैं, सिर्फ बास्केटबॉल नहीं, देयर इज़ टेबल टेनिस, बैडमिंटन। और एशियन पैरा गेम्स में हम 111 मेडल्स लेकर आए हैं, सो लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हीलचेयर पे स्पोर्ट्स खेलते हैं और उसके थ्रू रिकॉग्निशन और अवार्ड्स भी आपको मिल सकता है, एंड इवन यू गेट पेड फॉर प्लेइंग स्पोर्ट्स। अगर आप बहुत अच्छा खेलते हैं, आप अच्छा क्वालिफाई करते हैं, तो गवर्नमेंट से आपको यू नो प्राइज़ मिलता है, और आप आगे अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स सिर्फ आपको फिजिकली फिट नहीं रखता, मेंटली भी फिट रखता है, और अवार्ड्स अगर आपको इस तरीके के मिलते हैं बींग ऑन अ व्हील चेयर, आई थिंक आप दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं और आप खुद भी मोटिवेट होते हैं कि आप एक इस लेवल की अचीवमेंट आपको मिल पाई। फ्रेंड्स, अब आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माय क्वेश्चन फॉर यू इज, व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट डिसेबिलिटीज एंड हाउ आर दे एड्रेस्ड? सो कुछ मिसकंसेप्शंस में एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर आप किसी को व्हीलचेयर पे देखते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि वो बचपन से ही व्हीलचेयर पर होगा, तो ऐसा नहीं है। एक व्हीलचेयर पे आप कभी भी लेटर लाइफ स्टेज पर भी आ सकते हैं। किसी कार एक्सीडेंट की वजह से अगर रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, किसी भी टाइप की ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको चोट लग जाती है, तो आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है और आप व्हीलचेयर पे आ सकते हैं, और ऐसी डिसेबिलिटी को आप एक्वायर्ड डिसेबिलिटी कहते हैं जो लेटर स्टेज में आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि बचपन से लोग व्हीलचेयर पे नहीं होते हैं। कुछ लोगों को जिनको पोलियो का प्रॉब्लम है या कोई और बीमारी है, कोई जो बचपन से ही उनको अगर डिजीज़ है, तो वो लोग भी व्हीलचेयर पे होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं हो सकता। अगर ये मुझे हो सकता है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन थी और समडे इट हैपन टू मी, देन इट कैन हैपन टू एनीबडी, एंड इसका रेशियो बढ़ता जा रहा है। तो इसको आई थिंक एक एड्रेस करने का एक अच्छा तरीका ये होगा कि हम एक सेंसस करवाएं, एक नंबर आइडेंटिफाई करवाएं कि कितने लोग अभी डिसेबल हैं, जिससे हम एक रेशियो जनरेट कर सकें कि और कितना बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि हमारे हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। यू नो एक्सेसिबिलिटी अगर नहीं होगी तो हम इतने लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे इस कंट्री में।
मैम आप बच्चों के लिए एक प्रेरणा है, आप ऐसे स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, हमेशा आपको अच्छी चीजें मिलेंगी लाइफ में, ये जरूरी नहीं है। आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, मेंटली और फिजिकली। अगर आपको लगता है कि आप किसी पे इस वक्त ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे बच्चे हो, ये मैसेज मेरा दोनों के लिए है कि आपने आपको इतना इंडिपेंडेंट बनाइए, चाहे वो फिनेंशियली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आ जाए, यू आर एबल टू फेस इट एंड नेवर एवर गिव अप। मैम सर, आपने इतनी बड़ी इंजरी के बाद, इतने बड़े इंसिडेंट के बाद हिम्मत नहीं हारी, आप लगे रहे, आपने उसे अपनी पहचान बनाई और कितना कुछ अकम्प्लिश किया, हम तो काफ़ी इंस्पायर हुए हैं। आपने उस सेइंग को बिल्कुल ठीक साबित किया है, where there is a will, there is a way। जावेद सर, तस्नीम मैम एंड दीपक सर, आप सभी का थैंक यू, आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर करी और हम सबको इंस्पायर भी करा। बिल्कुल, आप जैसी इंस्पिरेशन हम सबके लिए होनी चाहिए। और जावेद सर, आपने मैम का इतना सपोर्ट किया, हर फैमिली को अपने मेंबर्स के ऐसा ही सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इज लाइक अ स्टेज वेयर वी रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ पीपल डीलिंग विद डिसेबिलिटी। इट हाईलाइट्स देयर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज। टुगेदर वी प्रॉमिस टू कम टुगेदर एंड वर्क टुवर्ड्स अ फ्यूचर वेयर एवरीवन इज इंक्लूडेड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज टू रेज अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यू रिलेटेड टू डिसेबिलिटी। दी, मुझे ऐसा लगता है और मैं ऐसा अक्सर सोचती हूँ कि हमारे घर में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद होता है। क्यों आलिया, क्या तुम पानी का टैप खुला छोड़ देती हो? नहीं दी, मुझे ऐसा पीकू ने बताया एसी के पानी और आरो के पानी के बारे में। तो चलो आलिया पीकू के पास, जान लेते हैं वो हमारे फ्रेंड्स को क्या मैसेज देना चाहती है। आलिया मेरी दोस्त, अब तो आपको पता ही चल गया है ना वेस्ट वाटर के बारे में। अरे पीकू, मुझे भी तो बताओ आलिया से क्या बात चल रही है। बिल्कुल पीकू, मैंने भी अपने फ्रेंड्स को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अरे संस्कृति दी, मैं तो आलिया को वेस्ट वाटर के उपयोग के बारे में बता रही थी। वो कैसे पीकू? वेस्ट वाटर को अपने बगीचे में यूज करना या फिर घर की सफाई में यूज करना। अरे वाह पीकू, कंजर्व वाटर, सेव अ लाइफ, सेव ह्यूमैनिटी, सेव द वर्ल्ड। थिंक एंड थिंक बिफोर वेस्टिंग वाटर इन द सिंक। नमस्ते आंटी, कैसे हो बच्चों? हम सब ठीक है, आप कैसी हैं आंटी? मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, आज तुमने स्कूल जाने में बड़ी देर कर दी। नहीं आंटी, हम तो सही वक्त से निकलते हैं, बल्कि अभी तो स्कूल पहुँचने में वक्त है, तो सोचा टहलते टहलते पहुँच जाएंगे। मैं तो उड़ कर चली जाऊंगी। क्या मतलब 4-5 किलोमीटर टहलते टहलते पहुँच जाओगी? मजाक कर रही हो? नहीं आंटी, इतनी दूर क्यों जाएंगे? हाँ आंटी, अपने गांव का स्कूल इतनी दूर थोड़ी है। तुम लोग अपने गांव के स्कूल में जाने लगी हो? जी आंटी, पर आप ऐसे हैरान क्यों? अरे बेटा, मैं हैरान नहीं हूँ, परेशान हूँ तुम लोगों के भविष्य के लिए। हमारे गांव के स्कूल में तो पानी की बड़ी समस्या है, स्कूल में तो नल ही नहीं है। अरे आंटी, नेशनल वाटर मिशन ने हर एक स्कूल में पानी की सुविधा करा दी है। हाँ, बच्चे दिन भर प्यासे रहते हैं, चिलचिलाती गर्मी में पानी की बूंद नहीं मिलती थी स्कूल में, इसी वजह से मैंने तो अपने बच्चों का दाखिला पड़ोस के गांव के स्कूल में करा दिया था, अब हम भी वहीं रहने लगे हैं। अरे नहीं आंटी, हमारे गांव के स्कूल में पानी की कोई समस्या नहीं है, अब तो हमारे स्कूल के नल से खूब जल आता है। अच्छा, हमारे ही नहीं, सरकार ने अब देश के 9,00,000 से ज्यादा स्कूलों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अरे वाह। जी आंटी, इससे हम सब बच्चों को तो बहुत फायदा हुआ है, दूसरे गांव के बजाय
अपने गांव के स्कूल में जाने से हमारा काफी वक्त बचता है। अब हम स्कूल के बाद कंप्यूटर भी सीख रहे हैं। हाँ, और मुझे खेलने का समय भी मिल जाता है। इतना ही नहीं आंटी, हमारे स्कूल में पहले के मुकाबले बच्चों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। अब तो टीचर भी मन लगाकर पढ़ाती है। जो माता पिता पहले दूर की वजह से अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते थे, उन्होंने भी अपने बच्चों को अब से स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। देखो, स्कूल में पानी की सुविधा मिलने से बच्चे कितने खुश हैं। आओ, अभी मैं तुम लोगों को स्कूल के अंदर का नजारा दिखाती हूँ। इतना बदलाव हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो आप हमारे साथ स्कूल चलकर देख लो। हाँ, चलो। चलो बच्चों, आप सब लोग जल्दी करो, प्रार्थना शुरू होने वाली है। यस टीचर। मैम, ये लोग मिलना चाहते हैं और स्कूल में नल से जल की आपूर्ति के बारे में जानना चाहते हैं। अरे वाह, स्कूल का तो माहौल ही बदल गया है। जी, अब हमारे स्कूल में पानी की समस्या नहीं है। हमारे ही क्या, आसपास के कई गांव के स्कूलों में नल लगने से पानी की परेशानी दूर हो गई है। पानी के आने से रौनक आ गई है। अच्छा। हाँ, अब राजस्थान जैसे कम पानी वाले प्रदेश के 73% स्कूलों में नल से जल की सुविधा मिलने लगी है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। आपको पता है, हमारे राजस्थान में कुल 86,217 स्कूल हैं, जिनमें से 63,192 स्कूलों में नल के पानी की आपूर्ति हो चुकी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतना ही नहीं, सरकार ने स्कूल के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में भी पानी की सुविधा को मुहैया कराने का भी काम किया है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब तो सारी जानकारी और तसल्ली मिल गई ना आंटी। हाँ, अब तो मैं भी अपने बच्चों का दाखिला हमारे गांव के स्कूल में ही कराऊंगी, क्योंकि अब हमारे गांव के स्कूल में बच्चे प्यासे नहीं रहेंगे। अब स्कूल में मिल रहा नल से जल, आओ शिक्षा से बनाए बेहतर अपना कर। आलिया, पीकू कितनी इंटेलिजेंट है ना, वो हमें कितने प्यार से सारी बातें समझा देती है। बिल्कुल दी दी, चलो अपने जूनियर फ्रेंड्स का ईमेल ले लेते हैं। बिल्कुल आलिया। फ्रेंड्स, तो ये ईमेल आया है स्नेहा कपूर जी की तरफ से। वो लिखती हैं, मैं जस्ट जूनियर की बहुत बड़ी फैन हूँ, हर संडे अपनी पूरी फैमिली के साथ ये शो देखती हूँ। आप इतने अच्छे से हमें इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कीप गोइंग, लव द कास्ट एंड पीकू को ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच इतना प्यारा ईमेल भेजने के लिए। थैंक यू। फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू टेक योर लीव। We'll meet you on the same day, same time, next week, only on your favorite show, Jazz Junior. और आप अपने फीडबैक हमें लॉग इन करके सेंड कर सकते हैं ddjazzjunior@gmail.com पर, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye-bye.